हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। पेंशनर्स का बड़ा आसान सा एक प्रश्न है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जिस प्रकार से एक अपडेट आई थी कमांडर अशोक रावत जी के माध्यम से कि जितने भी मीटिंग थे, चाहे वो द्विपक्षीय मीटिंग हो, चाहे त्रिपक्षीय मीटिंग हो, या ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति की अपनी खुद की मीटिंग हो, राज्यवार तरीके से मीटिंग हो, आंसर बहुत सारे हुए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत प्रकार की चीजें, सीएफसी के डायरेक्ट मेंबर के साथ मुलाकात, ईपीएफओ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी के साथ मुलाकात, और जो तो वित्त मंत्रालय में मुलाकात, गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात, ये बहुत सारे काम जो तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने लगातार क्रम बैक टू बैक जो तो बहुत अच्छा अच्छा जो तो काम किया, जो जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक थे, जो उम्मीद हार चुके थे उनके भी मन के अंदर में एक आशा जगी, उम्मीद जगी। हालांकि कुछ पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया होने की, जैसे कि पीपीओ नंबर उनका और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई हैं 27 तारीख को, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुख्य रूप से तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या अपडेट है? अभी जो अपडेट आई थी ना, वो हायर पेंशन को लेकर थी, जिनको पीपीओ नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया वो हायर पेंशन है। लेकिन मिनिमम पेंशन वाले क्या करें, मिनिमम पेंशन वाले काफी ज्यादा परेशान है। कुछ हायर पेंशन वाले हैं, कुछ मिनिमम पेंशन वाले हैं। तो फिर से जो तो आज की जो अपडेट है 29/2/2024 की, इसमें यही बात सामने निकल के आ रही कि आज के डेट में भी अभी बैठक की चर्चाएं ही हो रही है, फिर से रास्ता निकल आ जा रहा है। जब यहाँ पे बैठक हुई थी तभी ना रास्ता निकल गया था। पेंशनर्स को तो जो पता है वो यही पता है कि ये बैठक हुई थी कि मतलब है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी, कब तक पेंशन की राशि दी जाएगी। एक जो प्रस्तावना था, जो एक प्रस्तावना था कि जिसको जितनी पेंशन की राशि मिल रही हो, जितनी पेंशन की राशि मिल रही हो प्लस उसमें 5,000 रुपए ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग था कि डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस मेडिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। न उसमें डीए मिल रहा था, न तो मेडिकल मिल रहा था, या मिल भी रहा था तो उसकी कोई जानकारी सामने नहीं निकल के आई थी। लेकिन जिसको जितनी पेंशन की राशि मिल रही थी उसमें मात्र 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हो रही थी। पेंशनर्स की जो एक्चुअल मांग थी वो थी कि 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मेडिकल, ये थी उनकी मांग। इस मांग को पूर्ण करने के लिए जो तो ये बैठक हुई और ये बैठक हुई। इसके बाद जब प्रस्तावना जो आया उसमें यह प्रस्तावना आया कि जिसको जितनी भी पेंशन मिल रही हो अभी, चाहे 1,000 रुपए मिल रही हो, चाहे 2,000 रुपए मिल रही हो, चाहे 3,000 रुपए मिल रही हो, उसमें प्लस 5,000 प्लस 5,000 और प्लस 5,000, ये था प्रस्तावना। बोर्ड में इसी माध्यम से मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके सब कुछ अच्छे से, सारी जानकारियां। तो यह प्रस्तावना था। अब इसके बाद में पेंशनर्स काफी ज्यादा उम्मीद हार चुके हैं। आज भी मैसेज आ रहे थे एक दो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अब फरवरी का महीना बीतने वाला है। यह था कि लास्ट फरवरी तक पेंशनर्स को जो भी खुशखबरी मिलने वाला है, कितनी पेंशन की राशि मिलने जाएगी, क्या उनके साथ में होगा, ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा और पेंशनर्स को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे जो तो उनका काम होने लगेगा। लेकिन अभी तक पेंशनर्स के लिए कुछ नहीं। पेंशनर्स का मुद्दा जो कहते हैं मीटिंग से आज भी मीटिंग, पहले भी मीटिंग आज भी मीटिंग, पहले भी अनशन की ही बातें होती थी आज भी अनशन की ही बातें हो रही हैं। तो क्लियर कट क्या मैसेज है, वो हो सकता है कि आज शाम तक आपको देखने को मिल जाए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितनी पेंशन की राशि में वृद्धि, कब तक पेंशन की राशि में वृद्धि, क्या क्या, सारी की सारी जानकारियां आज तक मिल जाएगी। और नहीं भी होती हैं तो कमांडर साहब ने तो बोला ही था कि अगर कुछ भी होता है तो एक बड़ा अनशन करने की तैयारी को खुद करना है, ऐसा सुनने में जानकारी मिली है। बाकी देखते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट होगा। जो भी अपडेट रहेगा जरूर आपको अवगत कराएंगे, अपने चाहे वीडियो के माध्यम से कराएं या अपने व्हाट्सएप पे जरूर जुड़े जाइएगा। नंबर मैं आपको बता दूं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पे जुड़ जाइएगा। मेरे मेल से अगर आप बात करना चाहते हो gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल कर दें। किसी को कोई किसी भी प्रकार का कुछ हो तो आप या तो इस पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या मेरा मेल आईडी है usmishra24@gmail.com, आप हमें मेल भी कर सकते हैं।